पेप्टिक ग्रुप द्वारा आयोजित किए जा रहे जिले के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट पेप्टिक लीग 2021 का महामुकाबला यानी फाइनल का मैच रविवार को खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में आरसीसी ने श्री कृष्णा फाइटर को पराजित करते हुए फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली थी, तो वहीं शनिवार को रितेश 11 ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीएस 11 को इस मुकाबले से बाहर कर दिया। शनिवार को हुए सेमीफाइनल में जीएस 11 ने टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 108 रन का स्कोर तैयार किया। दरअसल इस स्कोर के पीछे की वजह रही रितेश 11 की आक्रामक गेंदबाजी। रितेश 11 की ओर से रवि कोहली और सिमी सहित कामिल त्यागी जैसे घातक गेंदबाजों के कारण जीएस 11 के स्टार बल्लेबाज नदीम अंसारी और कलीम अंसारी सहित पूरी टीम ज्यादा कुछ कर नहीं सकी। पूरी टीम 20 ओवरों में सिर्फ 108 रन ही बना सकी और 109 रन का छोटा लक्ष्य रितेश 11 के सामने रखा। रितेश 11 ने कामिल त्यागी के शानदार 35 रनों की बदौलत इस स्कोर को 11 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस तरह रितेश 11 अब फाइनल में पहुंच चुकी है। रविवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पेप्टिक टाउन के खेल मैदान में खेला जाएगा और इस मुकाबले को आरसीसी और रितेश 11 के बीच एक कड़ी जंग के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि केवल अंसारी ही क्लियर होते हैं, बाकी टीम में 11 खिलाड़ी हैं और सभी का अपना एक अलग योगदान होता है। अनफॉर्चुनेटली आज बैटिंग में सभी लोग फ्लॉप है, और ऐसा नहीं है, बैटिंग लाइनअप हमारे पास बहुत डीप थी, काफी गहरी बैटिंग लाइनअप थी, और किस्मत की बात होती है कि आज कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए स्कोरिंग बहुत कम रही। और लो स्कोरिंग में तो चेस करना बड़ा आसान होता है, खासकर टेनिस बॉल से। लेदर बॉल अगर हो तो बात ही अलग होती है, हम लोग प्रेशर बनाते हैं। ये नहीं कहेंगे, पर ये पहली हारने में बहुत कुछ सीखने को दिया, और ये मैच हम एक भी ओवर लूज नहीं पड़े, ये पहले मैच हारने की वजह से ही था। मैं विनय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी प्लेयर्स जो विनर हैं और जो रनर हैं, सभी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि खेल भावना से खेलें, हार जीत तो लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। थैंक यू वेरी मच।